आंखों से देखा है। तुमने ड्रॉअर से कुछ चुराया है। आपको कोई गलतफहमी हो रही है, मैंने कुछ नहीं चुराया, सच बोल रही हूँ। मैंने तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, तुमने इस ड्रॉअर से क्या चुराया? सब कुछ नहीं। श्रुति, ये नौकरानी बेचारी को तुम किसने मार दियो? देखो चिंटू, मैंने अपनी आंखों से देखा है, ये इस ड्रॉअर से कुछ चुराई है। अरे श्रुति, ये क्या बात कर रही हो? बेचारी इतने सालों से हमारे घर में काम करी, मैंने तो आज तक कभी नहीं देखा इसे गलत काम करते हुए। अच्छा, तुम्हें लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? हाँ, तुम झूठ बोल रही हो। एक मिनट, देखो ये क्या है? या माही, ऐसी क्या नौबत आ गई कि तुम चोरी पे उतर गई? साहब, मैं ये चोरी करना नहीं चाहती थी, लेकिन मजबूरन मुझे ये सब करना पड़ा। मैं मेम साहब को 2 महीना पहले से बोल रही हूँ कि मुझे पैसा देने के लिए, मेम साहब तो पैसा देने से इनकार कर दिया। मेरे पति का बहुत ज्यादा तबीयत खराब है साहब, उनको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा, इसलिए मुझे मजबूरन ये चोरी करना पड़ा। क्या श्रुति, ये जो बोल रही है क्या वो बात सही है? हाँ। अच्छा, तो तुमने इसलिए चोरी किया? हमारे पति की तबीयत खराब है, मैं भी देखना चाहता हूँ तुम झूठ बोल रही हो या सही बोल रही हो। हाँ साहब, चलिए आप खुद देख लीजिए। चलो भाई, और कितना दूर? साहब बस आ ही गए साहब, वो रहा मेरा पति। देखो बेचारी लोग झोपड़पट्टी में रहती है और उसके पति की अवस्था देखो कितना ज्यादा बुरा है। जब इसने तुमसे पैसा मांगा था तब तुम्हें दे देना चाहिए था ना? पैसा तो मैं दे देती, लेकिन मुझे लगा वो झूठ बोल रही थी, इसलिए मैंने नहीं दिया। ठीक है, जो हुआ वो हुआ, ये सब बात छोड़ो, चलो हम लोग उसे कुछ पैसा देकर मदद करते हैं। हाँ, चलो। मैं जल्द से जल्द पैसा के इंतजाम करके आपको इलाज करवाऊंगी, आप टेंशन मत लो। अब उठो। मगर माही, हमारे पास इतना पैसा कहाँ से आएगा? भैया आप पैसे की फिक्र मत लो, पैसे मैं तुम्हें दूंगा चाहे जितना लगे। हाँ, अपने भाई का। माही तुम इधर जरा सुनना, ये लो और ये पैसे रखो और अपने पति की ना इलाज करवाओ। साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे बहन, शुक्रिया बोलने की कोई जरूरत नहीं है, बहन जब मुसीबत में रहेगा उसका भाई मदद करेगा ना, ये मेरे तरफ से पापा समझो, और आगे कोई भी जरूरत पड़े तो बेझिझक बता सकती है। आज तो सब फरिश्ते बन के आ गए, वरना ना जाने क्या होता। अब इन पैसों से मैं एक अच्छे अस्पताल में आपका इलाज करवाऊंगी, अब चलिए मेरे साथ।